वही आज हम बात करने वाले हैं द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स के बीच में। या दोस्तों, दोनों बहुत ही शानदार मूवी रही है और इसने दर्शकों को इन मूवियों ने बहुत लुभाया है। अगर बात करते हैं द केरला स्टोरी की, द केरला स्टोरी बनी हुई है एक लड़कियों के ऊपर। जी दोस्तों, वहां पर डायरेक्टर साहब ने कहा है कि वहां 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया। अगर बात करते हैं द कश्मीर फाइल्स की, द कश्मीर फाइल्स मूवी बनी है कश्मीरी ब्राह्मणों के ऊपर। कश्मीर फाइल्स डायरेक्टर कहना था कि मूवी उस दौर की कहानी है जब कश्मीरी ब्राह्मणों को कश्मीर से निकाला गया था। अगर बात करते हैं द केरला स्टोरी के, तो डायरेक्टर साहब ने ये कहा है कि ये मूवी तब की कहानी है जो केरल में हो रहे जो आजकल लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, वो उस मूवी में दिखाया गया है। दोनों मूवी बहुत ही शानदार रही हैं और दोनों का जितना ये मूवी शानदार रही है, जितना इसे समर्थन मिला है, उतना ही इस मूवी को विरोध का सामना भी करना पड़ा है। दोनों में से कोई भी मूवी है, दोनों का विरोध भी हुआ है और समर्थन भी हुआ है, मगर आज ये दोनों मूवी दोनों हिट हो गई हैं। अगर बात करते हैं विरोध की, तो इनको बंगाल में द केरला स्टोरी को बैन कर दिया गया है, मगर एक तरफ योगी जी द्वारा इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया गया है। अगर बात करते हैं स्टार कास्ट की, द केरला स्टोरी की स्टार कास्ट मुकाबले द कश्मीर फाइल्स की थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स में बड़े बड़े नाम थे, बड़े नामचीन कलाकार थे, उसमें अनुपम खेर साहब थे और मिथुन चक्रवर्ती से शानदार कलाकार थे, मगर द केरला स्टोरी में इतने कुछ शानदार कलाकार नहीं है, मगर ये फिल्म अपनी स्टोरी की वजह से बहुत ही बेहतरीन बनी है।